या व्हाट इज़ अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। मेरा नाम शफ़ी है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग दो अलग ग्राफिक कार्ड्स को आपस में कंपैरिजन करेंगे, एक एनवीडिया को और एक एएमडी का। अब थंबनेल देखने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम किन ग्राफिक कार्ड्स की बात कर रहे हैं। तो गाइस, वैसे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर कभी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे भाई ने कमेंट किया था कि यार RX 570 vs 1050 Ti के ऊपर कंपैरिजन वीडियो बनाओ। तो वैसे तो गाइस, इन दोनों ग्राफिक कार्ड के बारे में सभी गेमर्स को पता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जिन लोगों को पता है तो वो भी देख लो यार, क्या हो जाएगा, क्या पता आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए, या फिर अगर मैं कोई मिस्टेक करूं तो आप मुझे बता दें। अब आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो यार, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट सुने बगैर रह भी नहीं सकता, और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो यार, तो आपकी बात सुनना मेरे लिए फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए यार मैं ग्राफिक कार्ड कंपैरिजन वीडियो ले आया। तो गाइस, ज़्यादा बकवास के बगैर, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो गाइस, इन ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर बात करने से पहले हम पहले एक नज़र डाल लेते हैं ग्राफिक कार्ड्स के स्पेक्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं एनवीडिया की GTX 1050 Ti की। अब इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको बेस क्लॉक की बात की जाए तो आपको 1291 मेगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक देखने को मिलती है, जो कि आपको 3992 मेगाहर्ट्ज़ तक बूस्ट हो सकती है। अगर मेमोरी क्लॉक की बात की जाए तो आपको 1752 मेगाहर्ट्ज़ की मेमोरी क्लॉक देखने को मिलती है। तो वहीं अगर बात की जाए क्यूडा कोर्स की तो आपको 768 क्यूडा कोर्स देखने को मिलते हैं। और अगर मेमोरी साइज़ की बात की जाए तो 2GB वाला और 4GB वाला दोनों अवेलेबल है, लेकिन 1050 Ti यानी 4GB वाला, और एक 1050 होता है जिस पर Ti नहीं होता, तो वो सिर्फ 2GB वाला होता है। तो ये 1050 Ti है, तो यानी ये 4GB वाला ग्राफिक कार्ड है। और ये ग्राफिक कार्ड GDDR5 मेमोरी टाइप को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको 128 bit की मेमोरी बस देखने को मिलती है, जो कि इतनी अच्छी नहीं है, अगर ज़्यादा होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बात की जाए पावर कंजप्शन की तो ग्राफिक कार्ड 75 watts की मैक्स पावर कंजप करता है। और इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए आपके पास नॉर्मल 350 watts से लेकर 400 watts तक एक पावर सप्लाई होना लाजमी है। और इस ग्राफिक कार्ड में अच्छी बात यह है कि ये ग्राफिक कार्ड कोई 6-pin कनेक्टर रिक्वायर नहीं करता, क्योंकि ये बगैर 6-pin कनेक्टर के रन कर जाता है। और अगर वही बात की जाए इसके अपोजिट जो है AMD का ग्राफिक कार्ड RX 570, तो उसकी बात की जाए तो उसके अंदर आपको 1168 मेगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक देखने को मिलती है, जो कि आपको बूस्ट 1244 मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। मेमोरी क्लॉक की बात की जाए तो आपको 1750 मेगाहर्ट्ज़ की मेमोरी क्लॉक देखने को मिलती है। और अगर क्यूडा कोर्स की बात की जाए तो आपको 2048 क्यूडा कोर्स देखने को मिलते हैं। अब मेमोरी साइज़ की बात की जाए तो एक 4GB वाला वेरियंट भी है और एक 8GB वाला भी वेरियंट है। 4GB वाले ग्राफिक कार्ड के साथ इसका कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए हम 4GB की तरफ जाएंगे। तो ये ग्राफिक कार्ड जो आपको GDDR5 मेमोरी टाइप को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस ग्राफिक कार्ड की मेमोरी बस जो है वो 256 bit की मेमोरी बस है, जो कि 1050 Ti से ज़्यादा है, मतलब 2 गुना है। अब देखते ये हैं कि ये आपको उससे अच्छी परफॉर्मेंस देता है कि नहीं। तो गाइस, बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के पावर कंजप्शन की। तो ये ग्राफिक कार्ड जो है आपको 120 watts की मैक्स पावर कंजप करता है, जो इसको रन करने के लिए आपके पास मिनिमम 450 या फिर 400 watts की एक पावर सप्लाई होना लाजमी है। इसमें एक 16-pin कनेक्टर भी होना लाजमी है। अब 1050 Ti इतनी पावर भी कंजर्व नहीं करता था, उसमें 6-pin कनेक्टर भी नहीं लगता, लेकिन इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको थोड़ी सी पावर कंजप्शन ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये ग्राफिक कार्ड एक 16-pin कनेक्टर भी प्रोवाइड करता है। तो गाइस, अगर बात करें इन दोनों ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस की, तो जो हमारा AMD का जो ग्राफिक कार्ड है RX 570, ये आपको अराउंड 16,000 rupees से लेकर 17,000 rupees तक देखने को मिल जाएगा यूज़ में। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में मुझे इसकी प्राइस का कोई अंदाज़ा नहीं है, शायद ज़्यादा हो जाए, शायद कम हो जाए, लेकिन अभी जो फिलहाल लॉकडाउन से पहले जो प्राइसेस मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो 16,000 rupees से लेकर 17,000 rupees तक थी इसकी प्राइस। तो गाइज, अगर वहीं बात की जाए 1050 Ti की, तो वो ग्राफिक कार्ड जो है आपको अनबॉक्सिंग मार्केट में 16,000 rupees से लेकर 17,000 rupees तक देखने को मिलता है। अब बहुत से लोगों ने इस ग्राफिक कार्ड को OLX पे ओवर प्राइस किया होता है, ओवर प्राइस मतलब आपको 20,000 rupees तक भी देखने को मिलेगा OLX के ऊपर, जो कि इसकी बिल्कुल प्राइस नहीं है, क्योंकि ये 20,000 rupees तक वर्थ करता ही नहीं है। अगर आप इस ग्राफिक कार्ड को लेने का सोच भी रहे हैं तो OLX जैसी वेबसाइट से बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ओवर प्राइस है। तो गाइस, प्राइसेस की बात कर ली और स्पेक्स की बात कर ली, तो अब जान लेते हैं दोनों में से अच्छा ग्राफिक कार्ड कौन सा है। अब यार, मैंने जो स्पेक्स बताया तो बहुत से लोगों के वो सर के ऊपर से चले गए होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को स्पेक्स समझ नहीं आते, तो वो कुछ 2-3 चीज़ें उसमें समझ पाते हैं, मेमोरी साइज या फिर मेमोरी टाइप वगैरह ही समझ पाते, बाकी कोर क्लॉक मेमोरी क्लॉक वो इतने लोग समझते नहीं, उनके हवा सर से ऊपर से चला जाता है। तो मेन बात ये है कि दोनों में से अच्छा ग्राफिक कार्ड कौन सा है। तो कैसे, अगर आप मेरी माने तो दोनों ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस जो है वो आपको सिमिलर देखने को मिल रही है। दोनों ग्राफिक कार्ड आपको 16-17,000 rupees के रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों की परफॉर्मेंस भी सेम होगी। तो RX 570 जो है वो एक AMD का एक बजट और बेस्ट ग्राफिक कार्ड है आपको परफॉर्मेंस टू प्राइस के लिहाज से, क्योंकि अगर वहीं 1050 Ti की बात करें तो वो आपको स्पेक्स में भले अच्छा दिखता हो, लेकिन इस प्राइस के अंदर वो आ रहा है उतनी परफॉर्मेंस वो नहीं दे रहा, क्योंकि वो RX 570 से आपको बहुत लो, मतलब 10-15 FPS कम प्रोवाइड करेगा, जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं करता उसकी प्राइस के ऊपर। अगर वहीं अगर आप RX 570 खरीदेंगे तो आपको 10-15 FPS ज़्यादा मिलेंगे 1050 Ti के बनिस्बत।
अब 1050 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड्स हैं ज़्यादातर वो लोग ख़रीदते हैं जो जिनको गेमिंग से इतना मतलब नहीं होता, जिनको हल्की फुल्की गेमिंग करनी होती है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर वेब डिज़ाइनिंग जैसे कामों के अंदर होते हैं, तो वो 1050 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड्स ख़रीदते हैं क्योंकि इनकी पावर कंजप्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर RX 570 की बात की जाए तो ये ज़्यादातर गेमर्स लोग ख़रीदते हैं क्योंकि इनकी पावर कंजप्शन का तो इतना कोई सीन नहीं है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस और प्राइस दोनों बेस्ट है। अभी बजट के हवाले से ये आपको बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है, मतलब आप यकीन माने 60-70,000 रुपीज़ के रेंज में इससे अच्छा ग्राफिक कार्ड आपको नहीं मिलेगा जो इससे अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड आपको अभी तक की हाई एंड्स गेम में आपको 1080p अल्ट्रा टू हाई सेटिंग्स बहुत इजीली 60+ FPS वाली गेमिंग कराने के बिल्कुल कैपेबल है। अब आने वाले जो गेम्स हैं तो इन गेम्स में भी इंशाल्लाह ये आपको 50+ FPS बहुत इजीली अचीव करा ही देगा। सो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ ही गया होगा कि इन दोनों में से ग्राफिक कार्ड कौन सा अच्छा है जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे गेमिंग के अंदर। अब आपको गेमिंग के लिए लेना है तो आप कौन सा ग्राफिक कार्ड लें, आपको दूसरे कामों के लिए लेना है तो आप कौन सा ग्राफिक कार्ड लें। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और दुआ में याद कीजिएगा।